नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मेरा नाम है अंकुर पांडे। सारण में जहरीली शराब से हुई 72 मौतों को लेकर बीजेपी एमएलए और एमएलसी ने विधानसभा परिसर में धरना दिया है। सभी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, साथ ही सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। आपको बता दें कि पहले सभी एमएलए और एमएलसी शहीद सत्यमूर्ति स्थल के सामने धरने पर बैठे थे। इसके बाद सभी विधानसभा परिसर में पहुंच गए। विधानसभा परिसर में सभी नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के घर से छपरा में पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में लिया है। छपरा से जहरीली शराब से अभी तक करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा पूरे जिले में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई मढौरा थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में की गई है। मामले में राजनीति भी काफी गर्म हो गई। इसके बाद कामेश्वर सिंह ने कहा है कि मुझे एक साजिश के तहत इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फुटपाथ पर लोगों को कंबल बांटते नजर आए। इस दौरान तेजस्वी ने लोगों से उनका हालचाल जाना और इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के द्वारा बनवाए गए रैन बसेरों को फिर से शुरू करने और उसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे आश्रय स्थल का भी जायजा लिया है और तेजस्वी ने लोगों की समस्याओं को जानने के लिए एक सुझाव पेटी लगाने का भी निर्देश दिया। छत नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार जो है निःशुल्क व्यवस्था आश्रम की कराई है, जहाँ बेड भी है, आपको पानी शौचालय की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ कंबल भी दिया जाता है, सामान रखने की जगह भी मिलती है। तो ये व्यवस्था है ताकि लोग ठंड में बाहर न सो, कई बार होता ठंड के बाहर लोग सोते जान चली जाती है, इतना शीतलहर दिखता है, ठंड होती है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो शिक्षा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा दे पाए, कम से कम रात में एक छत दे पाए, उनको ठंड में कंबल दे पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये हम लोगों ने किया। तो यही एक बार हम लोग आकर के देखे कि भाई मुआयना किए हैं। पटना के हमारे नगर आयुक्त हैं निमेश जी, इनके साथ हम लोग आए हैं कि भाई कैसे व्यवस्था कराई गई है, थोड़ा हम लोगों को दिखाइए। कमी होगी तो दूर किया जाएगा। मैंने देखा कि आप देखिएगा, अब यहाँ लोग सोए हुए हैं ब्रिज के नीचे, वो रिक्शा वाले हैं, यहाँ आप देखिएगा 5-6 बेड खाली है, लेकिन लोग आते नहीं क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका रिक्शा कोई लेके ना पाए, क्योंकि भाड़े पे लोग रिक्शा लेकर के चलाते हैं। बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सेंट्रल बैंक के अंदर अचानक एक नकाबपोश घुस गया और हथौड़े के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बता दें, नकाबपोश ने बैंक में घुसते ही पहले हथौड़े से गेट के शीशे तोड़े और फिर उसी हथौड़े से बैंक के कैशियर को भी मारने की कोशिश की है। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मिस्क्रियंट अचानक से हाथ में हथौड़ा लेकर के ब्रांच में घुसा, पहले गेट पे एक हथौड़ा लगा के गेट का ग्लास को तोड़ने के बाद में दौड़ करके मुख्य खजांची के पास गया और वो पैसे की डिमांड करने लगा, और डिमांड के साथ ही वो जो काउंटर पे लगा हुआ ग्लास है उसको वो जोर से हथौड़ा से उसको डैमेज कर दिया। उसके बाद में फिर ब्रांच मैनेजर की तरफ को दौड़ा और इसके बगल में जो लगा हुआ काउंटर है वो सारे शीशे को जो है तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। मौके पे ही पुलिस गश्त द्वारा उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। साल 2022 खत्म होने को है और नए साल के आगमन में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कुछ दिनों से बिहार में लोगों को ठंड से राहत है, और लेकिन यहां आपको ये बता दें कि साल खत्म होते होते कड़ाके की ठंड देकर जाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी और साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। ऐसे में सुबह के समय खासतौर पर तराई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं उत्तर बिहार में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल बिहार की इन खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रेड एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।